Swayam Prabha, Digital India, Educated India. आप सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर नरेश महिपाल दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। मैं आपको बीमा विधि के ऊपर कुछ व्याख्यान दूंगा यह मेरा दूसरा व्याख्यान है बीमा का ऐतिहासिक विकास पहले व्याख्यान में हमने बीमा के अर्थ को समझने की कोशिश की कि बीमा क्या है विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को जानने की कोशिश की कि इंश्योरर कौन होता है इंश्योर्ड कौन होता है प्रीमियम क्या होती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है इन सब चीज़ों को हमने उसमें पहले लेक्चर में सारा डिस्कस किया था उसके बाद हमने बीमा की प्रकृति क्या है नेचर क्या है उसको जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से वह समाज में अपना योगदान देता है किस प्रकार से वह व्यक्ति को उसकी हानि से बचाव करता है जीवन बीमा के अंदर में किस प्रकार बचाव करता है और अन्य प्रकार के जो बीमा है जनरल इंश्योरेंस हैं उसमें क्या करता है बीमा की क्या संभावनाएं हैं किस प्रकार से उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि किस प्रकार से वह योगदान करता है उसके उपरांत हमने बीमा के फंक्शंस के बारे में बात की कि किस प्रकार से वह काम करता है बीमा के प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात करी फिर हमने बीमा के सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में बात की फिर हमने बीमा के जो अदर फंक्शंस होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी से हटकर होते हैं जैसे कि आपको आ, ये एक प्रकार से आपका टैक्स वगैरह में सेविंग करता है एक प्रकार से या फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हमें हेल्प करता है मैरिन पॉलिसीज वगैरह के द्वारा इन सभी चीज़ों को हमने विस्तार से अपने पहले व्याख्यान में डिस्कस किया अब इस दूसरे व्याख्यान में हम बीमा के ऐतिहासिक विकास के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन से वे महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे किस प्रकार से बीमा ने इस दुनिया में अस्तित्व लिया किस प्रकार से इसका हमारे देश में हमारे भारत देश के अंदर में किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया क्या वे सब कारण रहे क्या वो सब ही थी क्या वे सब आ, कुछ महत्वपूर्ण काम थे जिनके कारण बीमा व्यवसाय अस्तित्व में आया इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर वाइज हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि बीमा किस प्रकार से इस दुनिया में अस्तित्व में आया बीमा का इतिहास अति प्राचीन काल से चला आ रहा है और दिखाता है कि चाहे वे आज कितनी भी बड़ी बीमा कंपनी क्यों ना हो लेकिन अभी भी मूलतः एक प्राचीन प्रणाली पर काम कर रही है जिस प्रकार से बीमा का इस दुनिया में अस्तित्व आया आज भी उस ही अस्तित्व के बेसिस पर बीमा कंपनी काम कर रही है मैं आपको इस विषय में बीमा के इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण दूंगा किस प्रकार यह दुनिया में अस्तित्व में आया साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की व्याख्या भी करूंगा जिन्होंने बीमा उद्योग को आकार दिया जैसा कि अभी यह मौजूद है और बीमा आज के समाज में अभी भी महत्वपूर्ण क्यों है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कि अगर यह हिस्टोरिकली डेवलप हुआ है तो इसकी क्या महत्वपूर्णता है क्या महत्वता है कि यह अस्तित्व में आया आज जो हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वह इस प्रकार है बीमा का ऐतिहासिक विकास समुद्री बीमा की उत्पत्ति मैरीन इंश्योरेंस की उत्पत्ति अग्नि बीमा की उत्पत्ति फायर इंश्योरेंस की उत्पत्ति जीवन बीमा की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और भारत में किस प्रकार से बीमा का विकास हुआ किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई इंडिया के अंदर में इन सारी चीजों को हम एक के बाद इस तरीके से डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बीमा का ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं कि इस दुनिया में बीमा किस प्रकार से अस्तित्व में आया बीमा की उत्पत्ति ऐतिहासिक समाज जितनी ही पुरानी है बीमा अनुबंधों का सबसे पुराना रूप बोटोमरी अनुबंधों के रूप में पाया जाता है जो 3000 से 4000 ईसा पूर्व बेबुलॉन के व्यापारियों द्वारा प्रचलित था बोटोम्बरी सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें एक अनुबंध के तहत आप एक व्यक्ति दूसरे को किसी सामान के बदले में दूसरी चीज देता है तो उसके तहत यह सिस्टम अस्तित्व में आया 600 सौ ईसा पूर्व के दौरान भारत में हिंदुओं द्वारा भी बोटोम्बरी का अभ्यास किया गया था बोटोमरी के अनुबंध के तहत व्यापारियों को इस प्रावधान के साथ ऋण दिया जाता था कि यदि शिपमेंट खो जाता है या समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है या गहरे पानी में डूब जाता है तो ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा उस समय कुछ सेलर्स होते थे जो विभिन्न प्रकार के समुद्री मार्गों को ढूंढते थे खोजते थे तो हमारे देश में कुछ ऐसे व्यापारी थे जो उन सेलर्स को ऋण देते थे कि आप विभिन्न प्रकार के रूट्स पर जाइए भारत के देश की संभावनाएं प्राप्त करिए जैसे विभिन्न देशों की तरफ से हमारे यहाँ पर आके उन्होंने भारत की खोज की इसके अंदर में आकर कि कहाँ पर वो किस स्थिति में है तो उन लोगों को वहाँ के व्यापारी जो थे वो पैसा प्रदान करते थे कि आप जाइए और नई से नई जगहों को खोज करिए और उस खोज करने के दौरान अगर वह जहाज़ समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता या वह दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता या डूब जाता था तो उस स्थिति में जो उनको ऋण दिया जाता था वह उन्हें चुकाना नहीं पड़ता था यह जो अनुबंध था यह बोटोमरी सिस्टम कहलाता था ऋण पर ब्याज जोखिम को कवर करता है हालांकि अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान स्वरूप में जिस प्रकार से आज बीमा कंपनियां काम करती हैं उसका प्रचलन बारहवीं शताब्दी से पहले होता था वह तो बटोमरी सिस्टम एक डिफरेंट था लेकिन जिस प्रकार से आज इंश्योरेंस कंपनी काम करती हैं उसका जो एविडेंस है जिस तरीके से वो काम करती हैं, उसका बारहवीं शताब्दी से पहले कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी वैसे वैसा बीमा कवरेज बीमा के रूप भी बढ़ते चले गए सबसे पहले हम समुद्री बीमा की उत्पत्ति की बात करते हैं कि समुद्री बीमा किस प्रकार से उत्पन्न हुआ हाउ द मैरिन इंश्योरेंस ओरिजिनेटेड क्योंकि इसको सबसे पुराने प्रकार का बीमा कहा जा सकता है समुद्री बीमा बीमा का सबसे पुराना रूप है बोटोमरी अनुबंध के तहत बेबीलोन के व्यापारियों को इस प्रावधान के तहत ऋण दिया जाता था कि यदि शिपमेंट हो जाए लूट लिया जाए या समुद्र में डूब जाए तो ऋण का भुगतान नहीं करना पड़ेगा ऋण पर ब्याज जोखिम को कवर करता था जो ब्याज होता था वहां तक दिया जाता था उसके बाद में वह जोखिम कवर कर लिया जाता था इससे ऋण प्रणाली की शुरुआत हुई और ब्याज का कानून अच्छी तरह से विकसित हुआ क्योंकि वह पैसा उन्हें ऋण पे दिया जाता था जिसके बदले में ब्याज लिया जाता था और उस ब्याज से उस जो वो खतरे में रहते थे सेलिंग के दौरान उसको कवर किया जाता था तो इस प्रकार से ब्याज का बिजनेस भी ऋण देने का बिजनेस भी विकसित हुआ बीमा के अनुबंध को गाड़ी के अनुबंध का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया कि जो भी आपकी समुद्री जहाज या कोई भी ऐसा वाहन चलेगा उसके साथ में एक समुद्री बीमा किया जाएगा 600 सौ पूर्व में भारतीयों द्वारा बटोमरी का अनुमान लगाया गया था और इसका अभ्यास भी किया गया था क्योंकि उस समय समुद्री परिवहन बहुत हद तक हवाओं और तत्वों की दया पर निर्भर था इसलिए भाड़ा मौसम के अनुसार तय किया जाता था कि किस प्रकार का मौसम है उतना ही उस प्रकार से भाड़ा तय किया जाता था क्योंकि ज्यादा अगर मौसम खराब होगा तो जोखिम अधिक होगा नाविकों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती और राजमर डकैती के खतरे का भी बहुत अधिक सामना करना पड़ता था उनका सामान उनके बर्तन और सब मालों को लूट भी लिया जाता था इसके अलावा राजा के शत्रुओं द्वारा जहाज पर कब्जा करना या गहरे पानी में जहाज का डूबना बाढ़ आदि कैसे जोखिम भी थे उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं अवेलेबल थे जो आगे आने वाली बाढ़ की स्थिति मौसम के अनुमान की जानकारी या गहरे पानी की जानकारी दे सकें राजाओं के बीच में एक दूसरे से समुद्री माल को लूट भी लिया जाता था राजाओं के शत्रुओं द्वारा भी समुद्री डकैतों के द्वारा भी सामान को लूट लिया जाता था बंधक भी बनाया जाता था तो ऐसे बहुत सारे असीमित खतरे थे जिनके बारे में उस समय समुद्री परिवहन में ये खतरे सामने आते थे इन अभूतपूर्व जोखिमों के कारण समुद्री व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक सहकारी उपकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार से जहाज जा रहे हैं उनके लिए एक सहकारिता उपकरण बनाया जाए एक, एक आपस में कलेक्टिव मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके द्वारा वही सीमा बीमा का उत्पत्ति का कारण भी रहा कि ज्यादा लोगों का जो जोखिम था वो एक पैसे के रूप में इकट्ठा किया जा रहा था और जिस भी व्यक्ति को नुकसान हो रहा था वह उसको प्रदान कर दिया जाता था सहकारी व्यवस्था प्रारंभ में स्वैच्छिक थी परंतु अब आधुनिक समय में इसका तेजी से विस्तार हुआ है समुद्री बीमा उत्तरी इटली के शहरों से आयात किया गया था जहां बारहवीं शताब्दी के अंत में इसका अभ्यास किया जाता था तो सर्वप्रथम उत्तरी इटली से बीमा के नए आधुनिक रूप से अगर हम बात करें कार्य करने का वर्णन उपलब्ध है। 15वीं शताब्दी में यह अत्यधिक विकसित हो गया वर्ष 1556 में राजा फिलिप सेकंड ने स्पेन के लिए समुद्री बीमा नियम बनाए और वर्ष 1563 में हवाई से मध्य अमेरिका की यात्रा पर तीन जहाजों का बीमा किया गया तो इस प्रकार से राजा फिलिप टू जो थे उन्होंने स्पेन के लिए पॉलिसीज बनाई और अमेरिका के अंदर में भी उन्होंने तीन जहाजों को उनका बीमा किया वर्ष 1575 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान समुद्री पार्सल के पंजीकरण के लिए रॉयल एक्सचेंज में चैम्बर ऑफ एश्योरेंस खोला गया था इसके बाद समुद्री बीमा से उत्पन्न विवादों के निपटने के लिए 1601 में संसद का एक अधिनियम पारित किया गया तो इस प्रकार से यह विकसित हो रहा था सबसे पहले तो इसमें कुछ नियम बनाए गए कुछ जहाज़ों को इसमें इंश्योर्ड किया गया बाद में उसमें पंजीकरण करवाया गया इनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और कुछ जो डिस्प्यूट्स होते थे कुछ जो विवाद होते थे उनसे निपटने के लिए संसद में एक अधिनियम भी पारित किया गया 1720 से लेके 1824 की अवधि के दौरान दो कंपनियां लंदन इंश्योरेंस और रॉयल एक्सचेंज ने समुद्री बीमा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया ये सबसे पहले की कंपनियों के रूप में हम इनको जान सकते हैं 18वीं शताब्दी के दौरान ही समुद्री बीमा एक विशेष व्यवसाय के रूप में शुरू किया गया था बीसवीं विश्वव्यापी स्तर पर समुद्री बीमा बाजार का तेजी से विस्तार हुआ जीवन व्यापार और वाणिज्य की बढ़ती जटिलता के साथ विशेष समुद्री सेवाएं शुरू की गई तो इटली की आधुनिक प्रणाली के साथ होता हुआ या ब्रिटेन से आगे इसने डेवलपमेंट पाई और इस प्रकार से धीरे धीरे इस व्यवसाय के अंदर में आ, कुछ प्रमुख चीजों को भी इंक्लूड किया जाने लगा कि जब भी मैरिन इंश्योरेंस की बात आती थी तो उसके अंदर में कुछ विशेष समुद्री सेवाएं सामान का इंश्योरेंस जीवन का इंश्योरेंस भी साथ के साथ में कुछ ऐसी घटनाओं का इंश्योरेंस भी साथ के साथ में किया जाने लगा जैसे जैसे समय तेजी से विकसित हुआ वैसे वैसे मैरिन इंश्योरेंस ने समुद्री बीमा ने भी प्रगति की भारत में समुद्री बीमा की वृद्धि अभूतपूर्व रही है इसका एक गहरा इतिहास है आगे हम भारत के इतिहास के बारे में जब बात करेंगे कि किस प्रकार से वह विकास किया बीमा ने उसमें भी हम बात करेंगे बट यहाँ पर हम क्योंकि समुद्री बीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भारत में समुद्री बीमा के डेवलपमेंट के बारे में उसके वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत अभूतपूर्व रहा है इसका उल्लेख मनु धर्मशास्त्र और कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखित वेदों में भी मिलता है यह आग बाढ़ अकाल और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पुलिंग के संदर्भ में बात करता है तो जब हम अर्थशास्त्र को या धर्मशास्त्र की बात करते हैं वहां पर व्यक्तियों से आह्वान किया गया था कि आपदाओं के समय पर आपातकालीन स्थिति में बाढ़ की स्थिति में आग लगने की स्थिति में आप एक दूसरे की मदद करें यह एक तरह से एक दूसरे की मदद करने का जब हम कहते हैं कि इंश्योरेंस इज ए मैकेनिज्म कि वो एक कलेक्टिव मैकेनिज्म है एक सामूहिक रूप से एक मैकेनिज्म है तो उन शास्त्रों में भी इस चीज का उल्लेख था कि आप एक दूसरे का सहयोग करें लेकिन जैसा कि आज दुनिया जानती है समुद्री बीमा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई अंग्रेजों ने सत्रह से 1810 के बीच कलकत्ता में सात समुद्री बीमा कंपनियां खोली तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि भारत देश में अगर हम समुद्री बीमा की बात करें तो इसकी देन ब्रिटिशर्स हैं अंग्रेज लोगों ने कलकत्ता में सात समुद्री बीमा कंपनियां खोली थी समुद्री बीमा के उत्पत्ति उसके विकास के बाद में हम फायर इंश्योरेंस की उत्पत्ति की बात कर सकते हैं अग्नि बीमा की उत्पत्ति की बात कर सकते हैं अग्नि बीमा की शुरुआत समुद्री बीमा के बहुत बाद में हुई थी जिसे 1666 में लंदन की भीषण आग से प्रेरणा मिली आग के खतरों से पीड़ितों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई इंग्लैंड में अग्नि बीमा कार्यालय की स्थापना वर्ष 1681 में हुई थी तथाकथित बुलबुला युग बबल एरिया उस दौरान 1711 के बाद इंग्लैंड में कई बीमा कंपनियों की स्थापना हुई थी तो इंग्लैंड को इस चीज का श्रेय जाता है कि चाहे वह समुद्री बीमा हो और चाहे वह अग्नि बीमा हो बहुत सारी कंपनियों ने वहां पर कामकाज शुरू किया कई कंपनियों की स्थापना की गई फिर तो इस अवधि के दौरान दो महत्वपूर्ण और सफल अंग्रेजी बीमा कंपनियों का गठन किया गया लंदन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और रॉयल एक्सचेंज एश्योरेंस कॉरपोरेशन ये बहुत ही सफल और बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लंदन के अंदर में अस्तित्व में रही हैं इनका गठन किया गया सामान्य इंश्योरेंस की अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो सभी संपत्तियां जीवन के अलावा सामान्य बीमा अनुबंधों द्वारा कवर की जाती हैं ताकि पॉलिसी धारक इससे अत्यधिक प्रभावित ना हो हानि या क्षति या खोई हुई संपत्ति या भविष्य में किसी भी प्रकार की क्षति हो तो कोई ना कोई तरीका उपलब्ध हो उस नुकसान से निपटने के लिए इस कारण से बीमा अस्तित्व में आया सामान्य बीमा बीमा को जीवन बीमा की तरह ही प्रीमियम द्वारा वित्त पोषित किया जाता है यानी कि जीवन बीमा में भी और सामान्य बीमा में भी चाहे वह आपका समुद्री बीमा है चाहे वह आपका फायर इंश्योरेंस है चाहे आपका थेफ्ट इंश्योरेंस है सभी प्रकार की पॉलिसीज में प्रीमियम पे किया जाता है सामान्य बीमा के महत्व की बात अगर हम करें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस यह हमारी संपत्ति की सुरक्षा करता है नुकसान की स्थिति में बीमा धारक यानी कि इंश्योर्ड के पास संपर्क करने के लिए कोई होगा क्या आप उस नुकसान के लिए कहाँ पर संपर्क करें आपकी सभी मूल्यवान वित्तीय संपत्तियाँ सुरक्षित रहती हैं आप किसी भी प्रकार की टेंशन से फ्री रहते हैं कि आपका जब भी कोई सामान इंश्योर्ड किया गया है उसके नुकसान के प्रति उसकी हानि के प्रति आप चिंतित या चिंता मुक्त हो जाते हैं यह पॉलिसी धारकों को राहत की अनुभूति प्रदान करता है यह सर्वविदित है कि अगर आप लोगों की चीजें इंश्योर्ड हैं तो आप उस हानि के प्रति संतोष की अनुभूति महसूस कर सकते हैं भारत में कितनी प्रकार की बीमा पॉलिसीज हो सकती हैं अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी प्रकार की सामान्य बीमा पॉलिसी हैं जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहली जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे हमने वर्गीकृत किया है ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस वाहन वाहनों से संबंधित इंश्योरेंस भारत में यह जरूरी है चाहे आप दो पहिया वाहन चलाते हैं या फिर चार पहिया अगर आपकी गाड़ी का बीमा है तो ही आप उसे कानूनी तौर पर चला पाएंगे इस प्रकार की ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस के दो प्रकार हो सकते हैं पहली थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी कार चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह न्यूनतम आवश्यक शर्त है किसी प्रकार की भी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं व्हीकल चला रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही होगा दिस इज द मिनिमम कंडीशन विच इज फिक्स्ड बाय मोटर इंश्योरेंस यू कैन से यह उस स्थिति में होने वाली लागत का भुगतान करता है जब आपकी कार किसी और की या जनता की संपत्ति को नष्ट कर देती है दूसरी तरह की जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है वह है व्यापक पैकेज पॉलिसी दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी इस प्रकार का बीमा आपके और आपकी कार के नुकसान या क्षति के साथ साथ तीसरे पक्ष की देनदारियां और क्षति को भी कवर करता है कॉम्प्रीहसिव पैकेज में ना सिर्फ आपका नुकसान कवर होता है बल्कि अगर किसी और थर्ड पार्टी को भी अगर नुकसान हुआ है तो वह भी उसमें कवर किया जाता है नुकसान आग चोरी दुर्घटना प्राकृतिक आदबा और अन्य घटनाओं से हो सकता है तो इस तरह के सारे नुकसान जो है वो आपके कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज पॉलिसी में रहते हैं जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी रहता है और आपका फुल इंश्योरेंस रहता है इसके अंदर आपको जो नुकसान होता है वह भी मिलता है और दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ है वह भी उसमें कवर किया जाता है दूसरी तरह की जो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है वह है हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा योजनाएं बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण अस्पताल में रहने से जुड़ी कई प्रकार की लागतों की भुगतान से संबंधित है जब स्वास्थ्य बीमा की बात आती है तो कोई व्यक्ति फैमिली फ्लोटर प्लान जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को कवरेज प्रदान करता है और एकल स्वास्थ्य पॉलिसी के बीच में चयन कर सकता है आप चाहें तो सिर्फ स्वयं का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं और चाहे तो अपनी पूरी फैमिली का भी जो फ्लोटर प्लान है वह भी ले सकते हैं तो इस प्रकार यह दूसरी तरह का जो है वह सामान्य इंश्योरेंस है यानी कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर की जाती है तीसरी प्रकार की जो आपकी सामान्य बीमा पॉलिसी है या जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है वह है हाउस इंश्योरेंस गृह बीमा पॉलिसीज़। ऐसी स्थिति में जब किसी मानव निर्मित या प्राकृतिक कारण से घर को नुकसान पहुंचता है तो पॉलिसी घर और उसकी सभी सामग्री को होने वाले सभी संभावित नुकसानों को कवर करती है किसी भी आपके द्वारा या मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक आपदा से आपके घर या आपके सामान को नुकसान होता है और अगर आपने हाउस इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कवर करती है इसे हम तीन सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं पहली स्ट्रक्चर इंश्योरेंस संरचन संरचना बीमा यानी कि घर की संरचना की गारंटी देता है आपके घर को अगर बाहरी रूप से अगर कोई नुकसान पहुंचता है उसकी संरचना को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है दूसरी तरह की जो हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी है वो है सामग्री बीमा दैट इज कंटेंट इंश्योरेंस इसके तहत घर की सामग्री घर के अंदर वस्तुएं उन सबको उन सामग्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है उनकी कवरेज करता है कोई भी संभावित नुकसान होता है तो उसको कवर किया जा सकता है तीसरी प्रकार की जो आपकी हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट इज फर्नीचर इंश्योरेंस फर्नीचर इंश्योरेंस के अंदर में एक ही नीति के तहत सामग्री और भवन सुरक्षा को जोड़ा जाता है भवन को नुकसान और सामग्री को नुकसान उन दोनों को इस पॉलिसी में इकट्ठा जोड़ दिया जाता है कि भवन के नुकसान के द्वारा अगर सामग्री को नुकसान पहुंचता है तो फिर आपको पॉलिसी के तहत जो भी आपकी एग्रीड अमाउंट है वो आपको प्रदान की जाएगी नुकसान का मूल्यांकन करके जितना नुकसान है उतना आपको वो प्रदान किया जाएगा चौथी तरह की जो आपकी सामान्य बीमा पॉलिसी है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट इज योर ट्रेवल इंश्योरेंस यात्रा बीमा विलंबित उड़ान यानी कि उड़ान में अगर देरी है और आपको अगर कहीं पर कुछ नुकसान हुआ है उस उड़ान को ना पकड़ पाने के कारण हो सकता है आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया हो, हो सकता है आपको कोई नौकरी से हटना पड़ा हो या आपको किसी अन्य प्रकार का को कोई नुकसान हुआ हो तो विलंबित उड़ानों या खोए हुए सामान या रद्द की गई यात्राओं के परिणाम स्वरूप यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान को यात्री बीमा द्वारा कवर किया जा सकता यह आपकी पॉलिसी बताएगी कि उन्होंने उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको कवर की हैं यात्रा के दौरान सामान खो जाता है यात्रा के दौरान सामान टूट जाता है या यात्रा अगर विलंबित होती है तो उससे होने वाला नुकसान जो है वह कवर्ड है या नहीं है आपकी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट यह तय करेगा लेकिन इस तरह के नुकसान को भी कवर किया जा सकता है यदि आप यात्रा के दौरान अस्पताल में भर्ती होते हैं तो ये कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने की भी सुविधा प्रदान करता है तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पॉलिसी का जो नेचर है उसके कंटेंट्स जो हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, है वह सब कुछ तय करेगा लेकिन एक यात्रा बीमा के रूप में भी हमारे पास एक सामान्य बीमा का प्रावधान उपलब्ध है पांचवी तरह की जो सामान्य बीमा पॉलिसी है वह हो सकती है वाणिज्यिक बीमा दैट इज कमर्शियल इंश्योरेंस वाणिज्यिक बीमा पॉलिसियों द्वारा व्यवसायों व्यापारियों खुदरा स्टोरों और अन्य व्यवसायिक उद्यमों को विशेष जोखिमों से बचाने के लिए किया जाता है वाणिज्यिक बीमा कई प्रकार के होते हैं जैसे ग्रुप मेडिक्लेम बीमा आग और चोरी बीमा आदि तो विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों औद्योगिक कंपनियां इन सभी को एक नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के नुकसानों से बचाने के लिए चाहे वो उनके श्रमिक हों चाहे उनके द्वारा उनका रॉ मटेरियल हो चाहे उनकी मशीनरीज हों उन संभावित नुकसानों से बचाने के लिए कमर्शियल इंश्योरेंस भी किए जाते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी इंश्योरेंस किए जा सकते हैं ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज भी की जा सकती हैं इसके अलावा डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ कमर्शियल लेवल पर प्रोवाइड की जाती हैं तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के सामान्य बीमा हमारे पास उपलब्ध हैं भारत में अगर हम बात करें सामान्य बीमा की जनरल इंश्योरेंस की तो भारत में सामान्य बीमा अंग्रेजों की विरासत के दौरान आया इसने ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ कलकत्ता में वर्ष 1850 में अपना काम करना शुरू किया अन्य सबसे पुरानी फायर इंश्योरेंस कंपनियों में सन इंश्योरेंस ऑफिस कलकत्ता जो कि 1710 में इस्टेब्लिश किया गया लंडन इंश्योरेंस और रॉयल एक्सचेंज एश्योरेंस 1720, सौ बीस फिनिक्स एश्योरेंस कंपनी सत्रह शामिल हैं तो इस प्रकार जो सामान्य बीमा का आगाज़ है वह अंग्रेज़ों की विरासत के दौरान भारत में आया जल्दी ही लीवरपूल और लंडन एंड ग्लोब नॉर्थ ब्रिटिश एंड कमर्शियल यूनियन जैसी अन्य कंपनियों ने बॉम्बे कलकत्ता और अन्य प्रेजिडेंसी शहरों में अपनी शाखाएं स्थापित की तो बहुत जल्दी उसके बाद में ब्रिटेन की जो कुछ कंपनियां थी उन्होंने भारत में अपना सामान्य बीमा में अपने पांव पसार लिए थे वर्तमान में अगर हम बात करें अग्नि बीमा की फायर इंश्योरेंस व्यवसाय की तो अग्नि बीमा व्यवसाय भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कंपनियों के हाथ में है एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है एक तरफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है लाइफ पॉलिसीज को छोड़कर जितने भी प्रकार की आपकी पॉलिसीज हैं चाहे वो इस समय प्रस्तावित वर्तमान रूप में री इंश्योरेंस को भी अगर हम देखें चाहे आपकी लाइफ इंश्योरेंस है चाहे आपकी थेफ्ट इंश्योरेंस है चाहे आपकी फायर इंश्योरेंस है चाहे आपकी मैरिन इंश्योरेंस है सभी के सभी जनरल इंश्योरेंस में कवर की जाती हैं इसे उन्नीस में एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था प्रारंभिक सामान्य बीमा कंपनियों में से कई सट्टा निवेश खराब प्रबंधन और अपर्याप्त वितरण प्रणालियों के कारण विफल रही इस शस्त्राब्दी में लगभग 200 वर्षों की यात्रा में बीमा को एक पूर्ण चक्र में आते देखा गया है यानी कि शुरुआत जो हुई वो एक दो कंपनियों के साथ में होते हुए एक दो सेक्टर्स को कवर करते हुए अब लगभग संपूर्ण जो सामान्य बीमा है उसको कवरेज किया गया है बीमा उद्योग के उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में कई बीमा प्रकार अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं जिनमें से संपत्ति बीमा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वाहन बीमा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य जैसे कई विशिष्ट उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं जिनमें से आपका कमर्शियल इंश्योरेंस भी है आपकी इंडस्ट्रीज को भी कवर किया जाता है आपकी सामग्री को आपके श्रमिकों को आपके मशीनरीज को बहुत सारी चीज़ों को अब यहाँ पर हमारे कवर किया जाता है डिजिटल प्रौद्योगिकों की शुरुआत ने ग्राहकों की सुविधा और वस्तुओं तक पहुंच बढ़ाकर बीमा बाजार को और भी बदल दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अब हमें बीमा पॉलिसीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें वहीं पर ही बैठे हुए मिलता है प्रीमियम भी वहीं पर पे कर सकते हैं इसी प्रकार लोगों को सुविधाओं के अनुसार उन्होंने इन पॉलिसीज में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो सामान्य बीमा की उत्पत्ति को जानने के बाद में हम लाइफ इंश्योरेंस की Origin के बारे में बात करते हैं कि जीवन बीमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई जीवन बीमा के शुरुआती निशान 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में दिखाई दिए इसका पहला रिकॉर्डेड एविडेंस विलियम गिब्सन के जीवन पर जारी की गई पॉलिसी है पहली पॉलिसी विलियम गिब्सन के जीवन पे की गई थी इंग्लैंड में पहला रजिस्टर्ड जीवन बीमा कार्यालय सोलह में स्थापित हैंड इन हैंड सोसाइटी था 18वीं शताब्दी में सोसाइटी का गठन शुरू किया गया और जीवन बीमा पॉलिसी वितरित करनी शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण संस्था जो कि जीवन बीमा पॉलिसी में योगदान दिया या जो शुरुआती समय पर अस्तित्व में आई उनके नाम हैं एमिकेबल सोसाइटी फॉर ए परपेचुअल एश्योरेंस 1705, सो द इक्विटेबल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी सत्रह और वेस्टमिंस्टर सोसाइटी सत्रह इन्होंने अपना संचालन शुरू किया जीवन बीमा की प्रीमियम दरें व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करती थी आप समाज के किस वर्ग से आते हैं आपकी एक वैल्यूएशन होती थी आपके वर्ग के हिसाब से और आपकी स्वास्थ्य पहली अमेरिकी बीमा कंपनी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वर्ष सत्रह में फिलाडेल्फिया कंट्रीब्यूशन के रूप में की थी 1820 तक अकेले न्यूयॉर्क राज्य में सत्रह स्टॉक जीवन बीमा कंपनियां थी कई जीवन बीमा कंपनियां सट्टेबाजी निवेश खराब प्रबंधन और अपर्याप्त वितरण प्रणाली के कारण विफल रही उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था वो प्रॉपर पॉलिसी के को रिमबर्स नहीं कर पा रही थी इस कारण वे कई स्थितियों के कारण विफल रही अठारह और 1877 के बीच 33 जीवन बीमा कंपनियां विफल हो गई थी उनके सबके वही कारण थे कि उनकी पॉलिसीज प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं थी और प्रॉपरली अगर मैनेज्ड थी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था उनका या उन्होंने पैसे को गलत जगह पर निवेश कर दिया था सट्टेबाजी वगैरह में निवेश कर दिया था तो इस प्रकार कई जीवन बीमा कंपनियां शुरुआती दौर में विफल भी हुई वर्ष 1910 के बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन बीमा में लगातार वृद्धि हुई विश्व व्यापार में भी भारी विस्तार के कारण 20वीं शताब्दी में विश्व स्तर पर बीमा बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है विश्व के अधिकांश बीमा व्यवसाय यूरोप और उत्तरी अमेरिका में केंद्रित हैं तो शुरुआती समय अगर हम देखें तो आपका इटली इंग्लैंड और अमेरिका यहाँ से आपकी इंश्योरेंस की उत्पत्ति रही चाहे वह आपका लाइफ पॉलिसी थी चाहे आपकी वो सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी थी धीरे धीरे पूरे दुनिया में ये फैली और एक आधुनिक रूप इन्होंने ग्रहण किया कुछ शुरुआती दौर में कंपनियाँ फेल भी हुई विभिन्न कारणों से लेकिन उन चीज़ों से सीख लेते हुए इन्होंने आगे अपने आप को तेजी से वृद्धि की भारत में इंश्योरेंस की डेवलपमेंट की हम बात करें कि भारत में बीमा का विकास कैसे हुआ कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और आगे किस तरह से बीमा सेक्टर ने देश में वृद्धि की क्या चेंजेस आए इसके अंदर में कौन से वे महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने इस बीमा व्यवसाय का की दिशा को एक गति प्रदान की और एक मोड़ दिया आज हम एक आधुनिक रूप में अपने देश में बीमा व्यवसाय को जानते हैं तो हम भारत देश में भारत के में देश में बीमा भी, के विकास के बारे में बात करते हैं बीमा क्षेत्र भारत के संविधान की सातवें अनुसूची में संघ सूची के विषय के रूप में सूचीबद्ध है इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज एनियन प्लेस्ट यू कैन से राइट जिसका अर्थ यह है कि इसे केवल केंद्र सरकार द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है राज्य सरकारें सामान्य बीमा कंपनियां और जीवन बीमा कंपनियों को लाइसेंस नहीं देती हैं। भारत में बीमा क्षेत्र ने प्रतिस्पर्धा के सभी पहलुओं को पूरा कर लिया है एक खुले बाजार से लेकर राष्ट्रीयकृत होने तक और फिर एक बार फिर उदारीकृत बाजार के रूप में वापस आने तक शुरुआत में भारत देश में बीमा कंपनियां खुले बाज़ार में काम करती थीं बाद में इन कंपनियों को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में इनको ले लिया गया था नैशनलाइज किया गया था और फिर दोबारे से एक उदारीकृत बाजार के रूप में इनको खुले तरीके से छोड़ा गया वर्ष 1818 में बंगाल प्रेसिडेंसी में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ उसके बाद 1823 में बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस कंपनी अठारह में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी और अठारह में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ भारतीय जीवन बीमा का व्यवसाय शुरू किया गया तो सबसे पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से शुरुआत रही और उन विभिन्न प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई और इस प्रकार उन्होंने भारत में अपनी शुरुआत की वर्ष 1870 भारतीय बीमा के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष था जब बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय जीवन को सामान्य दरों पर कवर करना शुरू किया भारतीयों को उसमें कवर करना शुरू किया तब से भारत में कई कार्यालय विकसित हुए भारतीय जीवन व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं वर्ष 1912, जिस समय जीवन बीमा व्यवसाय को विनिमित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम लागू हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट का लागू होना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनको अंदर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक्ट की स्थापना की गई 1928 में सरकार को जीवन और गैर जीवन बीमा व्यवसाय दोनों पर सांख्यिकीय जानकारी दैट इज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम लागू किया गया था कि देश में कितनी जीवन कंपनी कितनी गैर जीवा, जीवन जीवन कंपनी यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीजें काम कर रही हैं कितने लोग उनके द्वारा कवर्ड हैं कितना पैसा उनके द्वारा कवरेज किया गया है उन कंपनीज़ की स्थिति क्या है कितना कवरेज किया है कितना उनके पास पैसा है कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन सभी चीज़ों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम को लागू किया गया 1938 में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बीमा के क्षेत्र में जब भी कभी बात होती है बीमा के बारे में देश में तो उन्नीस को भुलाया नहीं जा सकता पहले के कानून ने बीमा करने वाली जनता के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से बीमा अधिनियम को समेकित किया कंसोलिडेट किया गया इंश्योरेंस एक्ट को लेके आया गया उन्नीस वर्ष के अंदर में तो इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा सारी कंपनीज जो थी चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, वह सारी के सारी एक एक्ट एक 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 के द्वारा कॉल्ड इंश्योरेंस एक्ट 1938 उसके द्वारा उनको कंसोलिडेट किया गया 1950 में बीमा संशोधन अधिनियम 1950 ने प्रमुख एजेंसियों को समाप्त कर दिया था कुछ एजेंसीज जिनके द्वारा गवर्न थी इंश्योरेंस कंपनीज उनको खत्म किया गया 1950 के अंदर में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 से आधुनिक रूप से अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो उसकी स्थापना 1938 1950 के बाद में 1956 से शुरुआत हुई 19 जनवरी 1956 को एक अध्यादेश के द्वारा एक ऑर्डिनेंस के द्वारा एक जारी किया गया जिसके तहत 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियां और भविष्य निधि समितियां कंपनीज और सोसाइटीज को केंद्र सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया यह आज़ादी के कुछ सालों के बाद में ही कर दिया गया था बीमा कंपनी को स्ट्रीमलाइज करने के लिए इन सारी कंपनीज़ को नेशनलाइज्ड कर दिया गया डिफरेंट कंपनीज जो खुले बाजार में काम कर रही थी डिफरेंट सोसाइटीज में जो रजिस्टर्ड होकर काम कर रही थी उनको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए उस समय की सरकार ने इनको नेशनलाइज कर दिया जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन संसद के एक अधिनियम अर्थात एल एक्ट 1956 द्वारा किया गया था भारत में बीमा क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व रहा है हम सभी जानते हैं कि जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां है, हैं सेक्टर में या में, सबी के सबी लाइफ इंश्योरेंस सौ वर्षों तक बीमा उद्योग में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है भारत में कई निजी और सरकारी बीमा कंपनियां हैं जो विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान हैं 1900 से लेकर उन्नीस बारह की अवधि के दौरान स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय बीमा कंपनियों की जबरदस्त वृद्धि हुई देशभक्ति की भावना जागी हुई थी तो लोगों ने जो देश के अंदर बीमा कंपनियां उस समय पैदा हुई उनके अंदर में अपने आप को बीमित करवाना प्रेफरेंस दी इस अनियंत्रित विधि के कारण खराब प्रबंधन धोखाधड़ी और अपर्याप्त वितरण प्रणालियां हुई 1912 में भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए भारतीय जीवन बीमा अधिनियम लाइफ एश्योरेंस एक्ट का अधिनियम लागू किया गया तो लाइफ एश्योरेंस एक्ट को लाया गया क्योंकि उस समय पर खराब वितरण प्रणाली थी धोखाधड़ी कंपनियों के द्वारा की जा रही थी 1913 से लेकर 1938 की अवधि के दौरान जीवन बीमा कंपनियों को कठिन समय का सामना करना पड़ा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1912 के लागू होने के बाद कई छोटी कंपनियां बंद हो गई और जो कुछ बच गई उन्हें विदेशी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर विदेशी कंपनियों के बहिष्कार और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी यही भावना एक बार फिर भारतीय बीमा कंपनियों को मजबूत करती है सरकार को अन्य बातों के साथ साथ भविष्य बीमा समितियों सहित जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों दोनों पर सांख्यिकीय जानकारी स्टैटिस्टिकल करने में सक्षम बनाने के लिए 1928 में भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1938 से 1950 के दौर की अगर उसकी अवधि की बात अगर हम करें तो उस अवधि में विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने के कारण भारतीय जीवन बीमा कंपनियों ने लगातार विकास किया यह वह दौर था जिस समय पर हमें आज़ादी प्राप्त होने की कगार थी या जब हमने आज़ादी को प्राप्त किया था उस समय हमारे देश की जो कंपनियां थी अपने दम पर काफी वृद्धि और तरक्की करने लगी थी वर्ष 1950 में फिर से बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया जिसमें जीवन बीमा व्यवसाय चलाने वाली कंपनियों के लिए इक्विटी कैपिटल की आवश्यकता जैसे दूरगामी परिवर्तन किए गए कि कंपनी अगर आपने खोलनी है तो कुछ इक्विटी कैपिटल के साथ में आपको वह काम करना होगा शेयर धारिता पर एक सीमा कि कौन उसके शेयर होल्डर होंगे कितना शेयर किसके पास में होगा निवेश पर सख्त नियंत्रण बीमा नियंत्रक की नियुक्ति कंट्रोलर को उस समय पर नियुक्त किया गया समय समय पर निवेश की वापसी और नियंत्रक को अन्य जानकारी प्रस्तुत करना एक जीवन बीमा परिषद और एक सामान्य परिषद का गठन किया गया तो वर्ष 1950 बहुत महत्वपूर्ण है जब इंश्योरेंस के ऊपर रेगुलेटरी के ऊपर में कंट्रोलर को भी एस्टेब्लिश किया गया जो सारी जानकारियां प्राप्त कर सकता था समय समय पर आपकी कंपनियों को देख सकता था कितने शेयर होल्डर्स एक कंपनी में होंगे कितना निवेश वो कर सकते हैं कहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा और कितना पैसा एक साल में वापस आना जरूरी है ये सारी चीजें महत्वपूर्ण कर दी गई 1956 से अब तक के कालखंड में समाजवादी पद्धति के उद्देश्यों को सच्ची भावना से प्राप्त किया गया सोशल कॉन्सेप्ट के पॉलिसीज़ को कि इंश्योरेंस के अंदर में एक सामाजिक विचारधारा उत्पन्न हो समाज के लिए काम करे इंश्योरेंस कंपनी इस भावना के तहत 1956 से आगे काम किया गया वर्ष 1956 में 245 भारतीय और विदेशी बीमाकर्ताओं और भविष्य निधि सोसाइटीज का प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और फिर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया यह सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी उस समय जब 245 से ज्यादा कंपनियों को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया उनके कामकाज को और उनका नेशनलाइजेशन कर दिया एक सितंबर उन्नीस को जीवन बीमा निगम एल आई को संसद के एक अधिनियम अर्थात एल एक्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया इसकी शुरुआती जो पैसों में कीमत थी, इसकी शुरुआत पांच करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी और वह भी भारत सरकार से खरीदा गया वर्ष उन्नीस में भारतीय बीमा संघ की एक शाखा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने निष्पक्ष आचरण और अच्छे व्यवसाय पैटर्न की गारंटी के लिए बीमा कंपनियों के लिए एक आचार संहिता तैयार की उस समय 1957 में छप्पन में आई के गठन के बाद 57 में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्थापना की गई कि किस प्रकार ये कंपनियां काम करेंगी उन्नीस में निवेश को विनियमित करने न्यूनतो सोल्वेंसी स्तर को निर्धारित करने और बहुत सारी चीजों को संशोधन किया गया और प्रीमियम की दरों को तय किया गया नियंत्रित किया गया पॉलिसियों के लिए नियम और शर्तें बनाई गई ये सारी के सारी काम को करने के लिए टैरिफ सलाहकार समिति की स्थापना की गई वर्ष उन्नीस में सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ने भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो उन्नीस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इज की गई उन्नीस में जनरल इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज कर दिया गया एक जनवरी उन्नीस को 103 107 बीमाकर्ताओं को एकीकृत किया गया और चार कंपनियों में समूहित किया गया 107 कंपनियां जो थी वो जो काम कर रही थी उनको चार कंपनियों के अंडर में एकीकृत कर दिया गया उन चार कंपनियों के नाम थे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चार समूहों में डिवाइड करके उन सारी कंपनियों को इनमें समाहित कर दिया गया जी आई सी कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया था वर्ष उन्नीस बीमा के इतिहास में भारत में बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष में आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री मल्होत्रा ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की और इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत किया उन्होंने जो बीमा कंपनियों में सुधार होना चाहिए उन सारी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत प्रदान की इसने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को पारित होने के साथ वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र को उदार बनाया तो खुले बाजार से लेके सरकार के नियंत्रण में आने के बाद में और अब वैश्विक तौर पर फिर हमने उसको खुलेपन की तरफ में उदार क्षेत्र की तरफ में बढ़ा दिया आई शुरुआत में इसकी स्थापना आई के रूप में हुई थी 2012 में इसके अंदर में ऑफ इंडिया कर दिया गया तो नाउ इट इज नोन एज आई आई इसने प्रत्यक्ष विदेशी स्वामित्व पर कुछ सीमाओं के साथ बाजार में प्रवेश करने के लिए निजी खिलाड़ियों के लिए बाजार खोल दिया जो चार कंपनियां इंडिया इंश्योरेंस और जो नेशनल इंश्योरेंस वगैरह कंपनियां थी सरकारी के अंदर में थी उसके बाद में प्राइवेट कंपनीज को भी इंश्योरेंस सेक्टर में आने के लिए अलाउ कर दिया संसद ने 2000 में जीआईसी आई की चार सहायक कंपनियों को अलग करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया चारों कंपनियों को अलग से काम करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया भारत में बीमा उद्योग ने पिछले दो दशकों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी और वितरण क्षमताओं में सुधार के साथ परिचालन दक्षता में पर्याप्त सुधार के कारण प्रभावशाली विकास दर देखी है आज भारत में बीमा क्षेत्र में छप्पन बीमा कंपनियां शामिल हैं। भारत में बीमा उद्योग ने 2022 में नए विकास संशोधित नियमों संशोधन प्रस्तावों और विकास के संदर्भ में कई परिवर्तन किए हैं अगर हम वित्तीय वर्ष 24 2024 में सितंबर 2023 तक अगर हम बात करें तो गैर जीवन खिलाड़ियों की प्रीमियम आय में साल दर साल चौदह और मोटर पॉलिसियों की मजबूती मांग के कारण एक लाख तिरतालीस हजार आठ सौ दो करोड़ रुपए का मुनाफा देखा गया है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक अरब से अधिक लोगों की बड़ी आबादी का घर है देश में बीमा का उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और 2025 तक 280 तो अरब डॉलर के बाजार के आकार की उम्मीद है निजी कंपनियों को बीमा मांगने की अनुमति देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर बीमा क्षेत्र कई चरणों से गुजरा है भारत का बीमा क्षेत्र में जी ट्वेंटी देशों के बीच सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है तो बीमा से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं ऑल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विकलांगता के विरुद्ध जीवन बीमा कवरेज और बीमा धारक की मृत्यु आश्रितों के लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का एक साधन है जीवन के अधिकार को सार्थक जीने लायक और आजीविका के अधिकार को जीविका का साधन बनाता है सुखदेव सिंह बनाम भगत राम सरदार सिंह रघुंशी में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत एलआईसी एक राज्य है और यह सभी संदेहों से परिस्थापित हो गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उन्नीस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बीमा शब्द सेवा इस सर्विस की परिभाषा के अंतर्गत और बीमाकृत यानी कि इंश्योर्ड पर्सन उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर की, की, की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है आप हम सभी जानते हैं कि कंज्यूमर की डेफिनेशन में आने का मतलब और सर्विस का क्या तात्पर्य रहता है आईआर ने पॉलिसी धारकों की शिकायतों को देखने के लिए लोकपाल ओम्बडमैन को नियुक्त किया यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जो उद्योग के भीतर उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए रचित है इसका फैसला बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर में जो डिस्प्यूट्स हैं उनके इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के साथ एक ओम्बन की स्थापना की गई जो इन विवादों को प्राइमली देखता है और उसका जो निर्णय है वो इंश्योरेंस कंपनीज पर बाध्यकारी होता है बीमा उद्योग अब कई बीमा कानूनी वर्गों द्वारा शासित होता है उनमें से कुछ बीमा के बुनियादी और मौलिक कानूनों से संबंधित है जिनमें बीमा अधिनियम 1938 प्रमुख रूप से इंश्योरेंस एक्ट बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 और अन्य विशिष्ट कानून हैं जैसे समुद्री बीमा अधिनियम उन्नीस और सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 शामिल हैं तो इन सभी चीज़ों को ऐतिहासिक तरीके से बीमा के डेवलपमेंट को देखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीमा का इतिहास अति प्राचीन काल से चला आ रहा है और दिखाता है कि वह चाहे कितनी भी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो मूलतः वह एक प्राचीन प्रणाली पर काम करती हैं बीमा की उत्पत्ति ऐतिहासिक समाज जितनी ही पुरानी है इसका सबसे पुराना रूप बोटोमरी अनुबंधों के रूप में पाया जाता है समुद्री बीमा बीमा का सबसे पुराना रूप है भारत में समुद्री बीमा की वृद्धि अभूतपूर्व रही है इसका एक गहरा इतिहास है अंग्रेजों ने 1797 से दस के बीच में कलकत्ता में सात समुद्री बीमा कंपनियां स्थापित की। लेकिन जैसा कि आज दुनिया जानती है कि समुद्री बीमा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी इंग्लैंड में अग्नि बीमा कार्यालय की स्थापना सोलह में हुई थी सभी संपत्तियां सामान्य बीमा अनुबंधों द्वारा कवर की जाती हैं ताकि पॉलिसी धारक इससे अत्यधिक प्रभावित ना हो भारत में जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज सामान्य बीमा पॉलिसीज के कुछ प्रकार हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे जैसे कि ऑटोमोबाइल पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी गृह बीमा पॉलिसी यात्रा बीमा पॉलिसी वाणिज्यिक बीमा जीवन बीमा के शुरुआती निशान सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में दिखाई दिए बीमा क्षेत्र भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची के विषय में के रूप में सूचीबद्ध है जीवन बीमा निगम एल का गठन संसद के एक एक्ट एक के द्वारा एल एक्ट उन्नीस में किया गया था वर्ष उन्नीस में सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम ने भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया वर्ष उन्नीस में श्री आर एन मल्होत्रा कमेटी की अध्यक्षता में जो उन्होंने कुछ अपनी रिपोर्ट की और उसमें सिफारिशें की उनको भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान की इसने आई एक्ट के पारित होने के साथ वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र को उदार बनाया भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एल एक राज्य है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बीमा सर्विस है और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कंज्यूमर है आईआरडीआई ने पॉलिसो की धारकों की शिकायतों को निपटान करने के लिए ओमबर्डमैन को नियुक्त किया उम्मीद है आपको इंश्योरेंस का जो शुरुआती जीवन से लेकर और आधुनिक रूप जो है वह विस्तार से समझ आया होगा धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.